गुड मॉर्निंग क्लास, दिस विल बी योर 36th लेक्चर। बेटा ये आपका 36th लेक्चर है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 5 को हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें अगेन आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हमें, x² + x² + 8x + 8y, ठीक है, यह आपको दिया गया। अब देखो हमें अगेन इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। आप इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, इसमें और इसमें ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, इसमें और इसमें ले सकते हो, हाँ ले सकते हो। तो जिसमें जो भी चीज हम कॉमन ले सकते हैं वो लिख लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन कॉपी करेंगे तो यहाँ पर x² + x² + 8x + 8y, ठीक है। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x + y। इन दोनों में क्या कॉमन लिया, 8 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x + y, ठीक है। अब x + y कॉमन हो गया और x + y अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचा क्या, इस वाले टर्म में हमारे पास बचा x और यहाँ पे बचा हमारे पास +8। तो दिस विल बी योर आंसर। आसान था, देखो सबसे पहला हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया x + y, x कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x। यहाँ पे क्या बचा, इन दोनों में से हमने 8 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, ठीक। अब इन दोनों टर्म्स में से हमने x + y को कॉमन ले लिया, तो x + y अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x, और यहाँ पे क्या बचा, 8। समझ आ रहा है? तो सबसे पहले हमने ले लिया x कॉमन, फिर हमारे पास क्या आ गया, x + y, फिर उसके बाद हमने क्या कॉमन ले लिया, x + y कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x + 8, ठीक। तो इस तरीके से इसका ये पहला सवाल हुआ। अब आप देखो इसका हम लोग लास्ट पार्ट में देख लेते हैं, लास्ट पार्ट का बोला गया, फिफ्थ का लास्ट पार्ट आपको बोला गया सिक्स में कि अगर हम x² - 11xy लेते हैं तो x² - 11xy एंड -x + 11y, ये हमने ले लिया, ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। अब इसकी बात करो, इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को भी करेंगे x² - 11xy, फिर -x + 11y, ठीक है। अब हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिया तो x को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, x बचा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, 11y बचा माइनस का, ठीक। अब यहाँ पर फिर से, अब देखो इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, एक्स और वाई में हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिखता है, यही नहीं कुछ कॉमन, नहीं। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम वन को कॉमन लेते हैं, वन को, वन इसके पास भी है, वन इसके पास भी है, तो वन कॉमन लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस भी है सामने, तो हम -1 को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने -1 कॉमन लिया तो इसका, इसके सामने माइनस था तो ये तो प्लस का आ गया, लेकिन इसके सामने प्लस था तो ये माइनस का आ गया, माइनस समझ में आया। हमने क्या किया, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या कॉमन लेते हैं, वन, और वो भी माइनस का, यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस का वन कॉमन लिया, -1 कॉमन हो गया। अब क्योंकि एक्स के सामने माइनस था तो वो प्लस बन गया, और प्लस था 11y के सामने तो वो -1 गया, बस। अब देखो अब इनमें से क्या कॉमन है, इसमें x - 11y आपका कॉमन है तो x - 11y कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, x - y बचा, तो ये आपका आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन किए जाएंगे बेटा। अब आप होमवर्क नोट कर लीजिए, होमवर्क क्या होगा आपका इसमें, तो होमवर्क रहेगा इसके लिए जो आपको फेयर कॉपी पे करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पार्ट करना है, फिफ्थ एंड एट्थ, ठीक है। सेकेंड में आपको क्या करना है, सेकेंड में अगेन आपको फिफ्थ एंड एट्थ करना है, फिफ्थ एंड एट्थ, ठीक है। थर्ड में क्या करना है आपको, थर्ड में अगेन आपको फिफ्थ एंड एट्थ करना है, फोर्थ में आपको थर्ड पार्ट करना है, फिफ्थ में भी आपको थर्ड टू, इसमें थर्ड एंड सिक्स करना है, ठीक है, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट। तो ये आपको क्वेश्चंस करने हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, और बेटा इस लेक्चर में आपको बस इतना ही। थैंक यू क्लास।